वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों, आज जो पोएम हम पढ़ेंगे उसका नाम है विंड, और इस हवा को चलाने वाले पोएट का नाम है सुब्रमण्यम भारती। ये पोएम ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वाहियात काम ए.के. रामानुजन ने किया। मतलब भाई, इसे क्या पड़ी थी ट्रांसलेट करने की, शांति से तमिल में पोएम पढ़ता और लाइफ को एंजॉय करता। लेकिन नहीं, यहाँ हमारा सिलेबस और बढ़ा दिया, और ऊपर से पोएम की ट्रांसलेशन भी ऐसी की जिसमें कोई राइम ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं हवा को। यहां पोएट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे आओ। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि तेज हवा से लोगों के घर खिड़की टूट जाते हैं, बुक सेल्फ से बुक्स गिर जाती हैं, पेपर्स भी बिखर जाते हैं। इस पैरा में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है अनाफरा, मतलब जब दो तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं। जैसे इसमें लाइन 2, 3 और 4 डोंट से शुरू हुई है। पोएट के रिक्वेस्ट करने के बाद भी विंड अपने सिक्स पैक एब्स दिखाते हुए सारी बुक्स को नीचे गिरा देती है और पेजेस फट जाते हैं। हवा इतनी तेज है कि बारिश तक आ जाती है। यहाँ एक लाइन है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मतलब कि विंड को अच्छे से पता है कि कैसे कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना है। विंड इतनी पावरफुल है कि जितने भी कमजोर घर, दरवाजे, जिंदगियां हैं वो उन सभी को बर्बाद कर जाती है। इसके बाद आती है इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यारो, विनोइंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम गेहूं को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं, तब हवा की वजह से जो उसमें भूसा या चारा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है और फिर हमारे पास बस गेहूं ही बचते हैं। यारो, खेती करने के बाद भूसा और गेहूं मिक्स होते हैं, तो विनोइंग से हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, और ये चीज तो तुमने साइंस में भी पढ़ रखी होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर पोएट कहता है कि विंड अपनी पावर से कमजोर लोग और कमजोर चीजों को पहले छांटती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। यहां पर कमजोर लोगों और कमजोर चीजों को भूसे से कंपेयर किया गया है। अब कोई कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर ले, विंड किसी की नहीं सुनती और अपना काम करती रहती है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता तुम इतने कमजोर क्यों हो। अब पोएट एक सॉल्यूशन भी देता है। वो कहता है कि हमें ताकतवर बनना होगा, हमें अपने घरों को भी ताकतवर बनाना होगा, हमें अपने कमजोर दिल को भी प्रमोशन देकर उसे जिगरा बनाना होगा, और जब हम ये कर लेंगे तब कितनी ही तेज आंधी या हवा चले वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, और तब विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। पोएट इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देता है। वो बताता है कि जब हवा चलती है तब कमजोर आग बुझ जाती है, और जो ताकतवर आग होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है।
जैसे दिए की जो आग होती है वो हवा चलते ही बुझ जाती है, और जो जंगलों या खेतों में बड़ी बड़ी आग लगती है वो हवा की वजह से और भी ज्यादा फैल जाती है। तो बेसिकली अगर इस पोएम को दो लाइनों में सम अप करें तो वो होगा कि भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कम मुश्किलें दे, बल्कि ये प्रार्थना करो कि वो तुम्हें इतना ताकतवर बना दे कि जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम फाड़ के रख दोगे। और आज का मॉरल भी यही है यारो, अगर तुम एक गरीब घर से बिलोंग करते हो या फिर इवन एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हो, या तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और, तो कभी ये मत सोचना कि यार कितना अच्छा होता अगर मैं किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता, मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाती। यारो मेरे हिसाब से लाइफ का जो असली एडवेंचर है वो इधर ही छुपा हुआ है। जैसे तुम लोग मोदी को देख लो, वो एक चाय वाला था और अब प्रधानमंत्री है देश का। उसकी पूरी लाइफ एक तगड़ा एडवेंचर रही होगी, और हजारों लोग मोदी से इंस्पायर होते हैं, उन्हें अपना आइडियल टाइप मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम ले लो आलिया भट्ट या रणबीर कपूर को, ये लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है नो डाउट, बट शायद ही इन्हें कोई अपना आइडियल टाइप मानता होगा या इनसे इंस्पायर होते होंगे। यारो इनकी लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं होता है, ना कोई स्टोरी सुनाने को, क्योंकि सबको पता था कि ये तो होना ही है, क्योंकि वो खुद सेलिब्रिटीज के परिवार से हैं, बचपन से ऑडी में घूमते रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये खुद भी कभी कभी सोचते होंगे कि अगर मैं इधर पैदा नहीं हुआ होता तो कभी मैं सक्सेसफुल हो पाता लाइफ में। इवन तुम खुद देख लो, तुम लोगों को कौन सी मूवीज पसंद आती है? तुम्हें वही मूवीज पसंद आती है जिसमें हीरो की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर वो स्ट्रगल करता है और सक्सेसफुल बनता है, ना कि कोई ऐसी मूवी जिसमें सब कुछ सही है हीरो की लाइफ में और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए जा रहा है। शायद ऐसी मूवी को तुम देखने भी ना जाओ। तो यारो जो मूवी तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे उस लाइफ की प्रार्थना भी मत करो। और अगर तुम गरीब हो या फिर तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है तो तुमसे लकी कोई नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा एडवेंचर वेट कर रहा है। अब बस उस एडवेंचर को शुरू करने का टाइम आ गया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.